क्या आपको पता है कि हम जो अपना डेली डेली फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर हमारे फिंगरप्रिंट्स और काफ़ी गंदगी आ गई रहती है। तो उसी गंदगी और फिंगरप्रिंट्स को क्लीन करने के लिए मैंने ये गैजेट बनाया है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो इस वीडियो में आप यही देखने वाले हो कि इस गैजेट को मैंने कैसे बनाया, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लिए, कैसे इसकी वायरिंग है, ये सब मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या क्या मैंने लिया और कैसे कैसे इसका कंस्ट्रक्शन मैंने किया। तो शुरुआत करेंगे इंस्ट्रूमेंट से, तो एक एक करके चीज़ें मैं आपको शो करता हूँ। तो सबसे पहले ये है डीसी मोटर, और इसके बाद हमने लिया है ऑन ऑफ स्विच। ये है 3.7 वोल्ट की बैटरी, जिसके अंदर वायर के कनेक्शन मैंने पहले से करके रखा है। उसके बाद यह है चार्जिंग पिन का सेट, इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और यह है जो हमारे CD/DVD प्लेयर होता है, उसके अंदर से मैंने ये निकाला है, मोटर के ऊपर लगा होता है। और यह है हमारा वायर टेप, उसके बाद कुछ वायर लेने हैं हमें कनेक्शन के लिए, हमारा शोल्डरिंग वायर और शोल्डरिंग आयरन भी हमें ले लेना है। यह है हमारे पुराने हैंगर, हमें एक कॉटन का कपड़ा भी लेना है, और उसके बाद हैंगर को यहाँ से कर लेना है कुछ इस तरीके से कट। और उसके बाद जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, बैटरी है, स्विच है और मोटर है, उसको कुछ इस तरीके से हमें फिटिंग करना है। तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आपको मैं पहले कनेक्शन बता देता हूँ। तो ये वाला वाइट वाला आपको दिख रहा है, ये पॉजिटिव है, और ब्लैक वाला नेगेटिव है बैटरी का। और जो वाइट वाला है उसको करना है डायोड के साथ कनेक्ट, और जो ब्लैक वाला है उसको करना है रजिस्टर के साथ यहाँ पे कनेक्ट। तो फटाफट मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। एक एक्स्ट्रा वायर लेंगे हम कनेक्शन करने के लिए, जो कि हमारे मोटर को हम कनेक्ट करेंगे। तो पहले मैं ऐसे हाथ से राउंड कर लेता हूँ, इसके बाद शोल्डरिंग आयरन यूज़ करके इसको शोल्डरिंग कर देता हूँ। तो मैं इसको शोल्डरिंग कर देता हूँ, नीचे प्लेट रखा है मैंने, क्योंकि हमारी शीट जल सकती है। तो अब दूसरे वाले पॉइंट की भी बारी, उसको भी शोल्डरिंग कर लेते हैं। तो एक एक्स्ट्रा वायर कनेक्ट करेंगे और शोल्डरिंग कंप्लीट कर लेंगे हम अपनी। तो अब हमें क्या करना है कि जो हैंगर का हमारा ये वी शेप है, इसको यू शेप में कन्वर्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं वायर टेप का यूज़ करके कुछ इस तरीके से शेप दे दिया है। उसके बाद जो हमारे बैटरी हैं और जो हमारी स्विच है, उसको इसके ऊपर करना है फिटिंग। तो सबसे पहले बैटरी के जितने हमने शोल्डरिंग की है, उसको कर लेते हैं कवर। तो वायर टेप का यूज़ करके मैं फटाफट जितने पार्ट्स है खुले खुले उसको मैं कर लेता हूँ कवर, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हैं। और एक वायर टूट गया तो इसको मैं कर लेता हूँ पहले शोल्डरिंग। तो अभी हमें क्या करना है कि जो हमारा वाइट वाला वायर है उसको कर देना है स्विच के साथ कनेक्ट, रेड वाला हमारा वैसे ही रहने देना है बैटरी के। तो अब सारे पार्ट्स को हमें कर लेना है हैंगर के कटे हुए पार्ट के ऊपर फिटिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं एक एक करके कर लेता हूँ फटाफट फिटिंग। और वायर टेप का यूज़ करूँगा मैं, आप हार्ड ग्लू यूज़ कर सकते हो या फेविक्विक भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हो, वायर टेप से मैं सबको कर रहा हूँ स्टिक, तो मैं फटाफट सब कर लेता हूँ स्टिक। तो ये जो वाले वायर है, इसे हमें करना है मोटर के साथ कनेक्ट। तो यहाँ पे हम अपना मोटर फिटिंग करेंगे। तो इससे पहले जो ये एक्स्ट्रा वायर है, इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं। तो कट हो गया है, अब करेंगे हम मोटर के साथ वायर शोल्डरिंग। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आपको नहीं देखना है, आप कौन सा किधर भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मोटर को जस्ट हमें रोटेट कराना है, लेफ्ट राइट ऐसा कुछ नहीं देखना है। तो आप मोटर को भी यहाँ पे कर देना है स्टिक, आप हार्ड ग्लू यूज़ कर सकते हो, मैंने वायर टेप यूज़ किया है। उसके बाद हमारा ये जो DVD प्लेयर से निकाला हुआ पार्ट है, इसके साइज़ का हमें कॉटन कट करना है, यानी कपड़े को कट करना है। और इसके बाद इसके ऊपर कर देना है कुछ इस तरीके से स्टिक। स्टिक होने के बाद इसको हमें अपने मोटर के साथ कर देना है कनेक्ट, और हो गया हमारा प्रोजेक्ट रेडी, यानी हमारी जो गैजेट था वो हो गया हमारा रेडी। जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत अच्छे से रोटेट कर रहा है और काफ़ी अच्छा स्मूथ चल रहा है। तो अब चेक करेंगे इसके चार्जिंग की, तो चार्जिंग इसका परफेक्ट है कि नहीं, जो हमने चार्जिंग पिन बीच में कनेक्ट किया है, तो उसको चेकिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं चार्जर लेके आया और यहाँ पे अब मैं कनेक्ट करके देखता हूँ LED ग्लो कर रही है कि नहीं।
तो एलईडी यहाँ पे ग्लो कर रही है। एक सेकंड में लाइट ऑफ करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से वर्किंग कर रहा है ये। अब इसका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। तो इसके ऊपर हम लेंगे इसका टेस्ट, जिसके ऊपर पहले से थोड़ी सी मिट्टी और धूल जमी हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा क्लीनिंग कर रहा है ये। इसी तरीके से ये हमारे फ़ोन के डिस्प्ले को भी काफ़ी अच्छे से क्लीन करेगा। तो ये गैजेट आप इजीली घर पे बना सकते हो। तो लास्ट में कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।